हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? केमती अछंती आपन माने समझते। तो आमे प्रिपेयर करू छु फॉर ओएसएससी जेई 2023 मेंस। ओके, तो दिस इज योर टेक्निकल सीरीज। एबे आमे करिवा सोइल मैकेनिक्स। लास्ट क्लास रे भी सोइल मैकेनिक्स आमे करी थिलु। सोइल मैकेनिक्स रे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट आमे सरी सारी छु ऑलरेडी। ओके, इडा मसाला और मलाई भावंतु। ओके, जो एबे ये सब चालू छ। हां, ये जो वीडियो होउछि, ये जो वीडियो अपन अबे देखु छथि करेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट आइ रे, बहुत टॉपिक डिस्कस करबे। ये वीडियो तो बिल्कुल मिस करिवे नि, आराम रे शांति रे बसी करि बुझंतु। जॉइन आवर बेस्ट टेस्ट सीरीज। ओके, बेस्ट माने ये जिंस जो अपन को अवेलेबल करू छी, ये आउ के करि परिवे नि। सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो टेस्ट सीरीज। डाउनलोड द एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन रो नाउ छी कांसेप्ट डिकोडर। सेठी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो बोली गोटे टेस्ट सीरीज थी, आए आराम रे जॉइन करि नियंतु। आखि बंद करि जय हिंद। हो चलंतु क्वेश्चन करिवा। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन करिवानी। देखंतु, लास्ट क्लास रे ये क्वेश्चन टा हमें सॉल्व करूथुलु, तो मोर माइक्रो प्रॉब्लम हो जाइथला, टिके ऑडियो प्रॉब्लम हो जाइथला, से पै मु स्टॉप कर देथली वीडियो टा। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करथिलु लास्ट क्लास रे, माने ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड आउ क्ले सैंड, हमें कौन कहवा एस एम एंड एस सी। ये जिनसा मुझे बुझे थी आपको। अब देखो सॉइल क्लासिफिकेशन टे बेसिक भितर को जीवा। ओके, कौन पे बोले क्वेश्चन पचारती सॉइल क्लासिफिकेशन रु। देखो आम पाखे जो सॉइल अच्छी बेसिकली दुईटा कैटेगरी आम जनरली डिवाइड करवा, तो ब्रोडली वी कैन डिवाइड दि सॉइल इंटू टू कैटेगरी। ओके, फर्स्ट पॉइंट कौन, आप सॉइल को जनरली दुईटा कैटेगरी डिवाइड करें। गोटे कौन कोर्स ग्रेन सॉइल, गोटे कौन फाइन ग्रेन सॉइल। को भी सॉइल को माने ये सॉइल गोटे अच्छी भावन तो डब्ल्यू वेट रो, ये सॉइल को आमे कोर्स ग्रेन सॉइल रे कंसीडर करि परिवा कि फाइन ग्रेन सॉइल रे कंसीडर करि परिवा। तो एटा चेक लगे आपे किछि गोटे आम पाखरे रूल थिवो ना, क्राइटेरिया थिवो ना, अच्छी तो से रूल टा कौन, से क्राइटेरिया टा कौन, से क्राइटेरिया टा होसी 75 माइक्रोन सीव। 75 माइक्रोन रो सीव साइज, ये सीव डा कंसीडर करिवा। ये सीव ऊपर लेट्स सपोज ये डब्ल्यू वेट रो सॉइल अछि हम पाखरे गुटे, ठीक अछि। तो ये सीव रे ये माने सीविंग करिवा, सीव एनालिसिस करिवा। सीव एनालिसिस करिया माने एठी डब्ल्यू वेट रो सॉइल मु एठी पकेले 75 माइक्रोन सीव ऊपर। जदी एमती होउछि कि 50% और मोर देन 50% ऑफ सॉइल जो आपण सीव करिवा को चेष्टा करछंती। ओके, तो जदि 50% और मोर देन 50%, जदि 50% और मोर देन 50% ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन 75 माइक्रोन सीव, माने ये टोटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉइल आपण कंसीडर करि लाइन रे डिफरेंट पार्टिकल साइज थिवो, जते बेले आपण सीव ऊपर पकेले तो तार 50% किंबा तार टू बेसी 50% और मोर देन 50% सॉइल रिटेन हो गला 75 माइक्रोन सीव ऊपर, माने ये सीव को पास करिलानी, ठीक अछि। 75 माइक्रोन सीव को पास करिनी, रिटेन हो गला, माने आकु हमें कहिबा कोर्स ग्रेन सॉइल। जदि ये क्राइटेरिया सैटिस्फाई होछि, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ओके, बहुत आराम रे सुनि चालंतु। तो आमे केबे गुटे सॉइल को कोर्स ग्रेन कहिबा, ओके, आउ केबे गुटे सॉइल को फाइन ग्रेन कहिबा बुझि गले, कोनटा सेटा 75 माइक्रोन सीव रो क्राइटेरिया। If 50% or more than 50% of soil retained on 75 micron sieve, then it is called as coarse grained. Else, jodi ye criteria satisfy hai nahi, to ame kahi dewa ki ye soil hochi fine grained soil. Thik achi, ame kahi dewa fine grained soil. Ebe dekhantu, to coarse grained soil je hochi, aire kie kie hebo coarse grained soil re kon kon koko type soil hebo, gravel hebo, sand hebo. ओके, बेसिकली हम ग्रेवल और सैंड को अगर कोर्स ग्रेन को जो फाइन ग्रेन रे के आसीबो, जदि हम फाइन ग्रेन कथा हेबा, फाइन ग्रेन सॉइल रे क्ले आसीबो, सिल्ट आसीबो, ठीक अछि। तापर ऑर्गेनिक सॉइल आसीबो, तापर आउ गोटे जिनस मु बतै थली पीट, तो इटा भी फाइन ग्रेन सॉइल भितर आसी जीवो, ठीक अछि। एबे देखंतु, तो एबे तो आपन को इडा जणा पड़ला ना फर्स्ट क्राइटेरिया रो कि सॉइल गुटे सॉइल केबे फाइन ग्रेन हबो कि केबे कोर्स ग्रेन हबो। ये डेटा रो अगर मु गुटे क्वेश्चन एठी पचारू छी, मते कहंतु लेट सपोज कि गुटे सॉइल कोर्स ग्रेन हे गला, ठीक अछि। गुटे सॉइल हम कंसीडर करू करिलु,
एबे से कोर्स ग्रेन भितर सेटा सैंड कि ग्रेवल आ ऊपर एबे डिस्कशन करिवा बट एबे अलग गोटे क्वेश्चन आंसर करंतु कि लेट सपोज कि गोटे सॉइल कोर्स ग्रेन हे गला ठीक अछि तो परसेंटेज फाइननेस से सॉइल रे मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज फाइननेस के माने गोटे कोर्स ग्रेन सॉइल भितर मैक्सिमम परसेंटेज फाइननेस केते थाई पारे तो देखंतु एठी स्टेटमेंट जो लिखा हिदला कोनो 50% और मोर देन 50% जदि 75 माइक्रोन ऊपर रिटेन करूची ताहेला हमें कोर्स ग्रेन कहि दोउछ ओके सीटा सैंड ना ग्रेवल अबे डिसाइड करिवा बट तो 50% भी जदि रिटेन करि गला ताहेले भी तो कोर्स ग्रेन आका कहिवा माने 50% रिटेन जदि करीची तो 50% पास भी तो करिवो ओके 50% पास भी तो होईची तो 50% पासिंग जो होईची पास जो होईची एटा कोनो पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन माने सिल्ट प्लस क्ले फ्रैक्शन ओके मींस इन ए कोर्स ग्रेन सॉइल मैक्सिमम 50% ऑफ परसेंटेज फाइननेस में प्रेजेंट ओके 50% ऑफ फाइननेस में प्रेजेंट माने कौन 50% जाय सिल्ट एंड क्ले कंटेंट रही पारिबो गुटे कोर्स ग्रेन सॉइल रे ठीक अछि तो इडा हे गेला अपन फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया जदि माने इफ लेट सपोज आपन को इटा जणा पड़ी गला कि जो मोर सॉइल अछि इटा कोर्स ग्रेन सॉइल तो एबे सेकंड आपन कोन चेष्टा करिवे कोन बुझिवा माने कोन ट्राई करिवे इटा जानिबा को ट्राई करिवे कि जो सीटा कोर्स ग्रेन तो हैला बट सीटा ग्रेवल ना सैंड ओके तो कोर्स ग्रेन भितरे ग्रेवल और सैंड अछि तो एबे हमको सीटा का जानिबार अछि कि ये जो सॉइल थिला इटा ग्रेवल अछि ना सैंड अछि ए कोन इटा ग्रेवल ना सैंड तो आप हमें कौन यूज करिवा क्राइटेरिया आप हम पाखे अछि 4.75 mm रो सीव 4.75 mm रो सीव आप पाई ये सीव पाखु को जीवा आ हमें कहिवा हमें ये देखिवा जो हमें गुटे डब्लू वेट रो सॉइल नहीं थिलु ठीक अछि सीव करिया पाई तो हमें सीव ऊपर पकेबु ये डब्लू वेट रो सॉइल पकेलु पकेला पोरे जदि हमें एमटी पाइलु कि 50% और मोर देन 50% ओके रिटेन ही गला बुझंतु यदि 50% और मोर देन 50% ऑफ सॉइल रिटेन ही गला 4.75 एमएम सीव ऊपर तो हमें कह देवा कि ये जो सॉइल अछि इटा ग्रेवल ठीक अछि एल्स नॉलेज सैंड यदि ये क्राइटेरिया फुलफिल हेलानी ताले आमे आकु कहि देबा कोन सैंड बुझि गेले कि ग्रेवल आमे केबे कहिबा जदि आपण सीव एनालिसिस करि जंती तो 4.75 एमएम वाला सीव को देखिबे जदि टोटल वेट रो 50% और मोर देन 50% रिटेन हे गेला 4.75 एमएम उपरे तो आपण कहि देबे ग्रेवल नॉलेज सीटा हे जीवा सैंड ठीक अछि एम्प्टी तो ये इटा हे गेला सेकंड रूल एबे देखंतु तो कोर्स ग्रेन सॉइल आपण केमती माने जणा करिवे ये जिनस आपण बुझि गेल माने हम को जणा पड़ियो 75 माइक्रोन सीव क्राइटेरिया रु कि ये सॉइल कोर्स ग्रेन तापर स्टा भीतर भी इडा सैंड ना ग्रेवल सीडा भी आपण इजीली फाइंड आउट करि नेबे बाय यूजिंग 4.75 एमएम सीव ठीक अछि इडा भी फाइंड आउट करि नेले एबे देखंतु आ थर्ड पॉइंट आ गुटे जिनस बतै थिले कि मैक्सिमम परसेंटेज फाइननेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए कोर्स ग्रेन सॉइल इज योर अप टू 50% ठीक अछि तबे देखंतु कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करिवाटा सिखिबा देखंतु जे आमे जेबे कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करिवा तो किछि जिंस इंपोर्टेंट ओके आउ से इंपोर्टेंट जिंस कोन फर्स्ट पार्टिकल साइज रु आका हमकु जणा पडु छी ना से कोर्स ग्रेन सॉइल सैंड ना ग्रेवल ठीक अछि तापरे जो सेकंड इंपोर्टेंट पैरामीटर होउची इन क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेडेशन ये ग्रेडेशन चेक करिया पे हमकु सीयू एंड सीसी वैल्यू काडी चेक करिया पडिवो सीयू और सीसी रो रेंज मो बतेथली अपन को फॉर ग्रेवल एंड सैंड ओके सो से कंडीशन गुडा को सटिस्फाई हेबार अछि तो ग्रेडेशन चेक करिया पे सीयू सीसी ग्रेडेशन तो बेसिकली दुईटा लास्ट क्लास रे अपन देखिथिले वेल ग्रेडेड सैंड माने वेल ग्रेडेड सॉइल अछि जदी ता पॉइंट डब्ल्यू नोटेशन यूज करिया पुअरली ग्रेडेड पाई पी नोटेशन यूज करूथलो हम थर्ड क्राइटेरिया जा ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल डिपेंड करूची सीटा होची परसेंटेज फाइननेस
कौन पे बोले देखो तू हमें अबे देख लूँ ना कि मैक्सिमम कितने परसेंटेज फाइनेंस अलाउ ही पारे गुटे कोर्स ग्रेन सोइल रे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैक्सिमम 50%। ओके तो 50% जो परसेंटेज फाइननेस अच्छी माने फाइन सोइल अच्छी तो ये फाइन सोइल जो प्रॉपर्टीज अच्छी ये भी किसी ना किसी तो इफेक्ट करियो ना तर क्लासिफिकेशन को कोर्स ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन को तो बिल्कुल इफेक्ट करूची। ओके तो ये सब क्राइटेरिया अच्छे तो आम देखा एवं ओके केमती क्लासीफाए करवा कोर्स ग्रेन सोइल को फर्स्ट कोर्स ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन देखा तापर फाइन ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन देखा देखो तो मेन जिनस कोर्स ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन तीन टा कैटेगरी आम यूज करवा तीन टा कैटेगरी आउ से तीन टा कैटेगरी कौन डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज फाइननेस देखो ये जिनसटा बुझे बहुत इंपोर्टेंट परसेंटेज फाइननेस फर्स्ट लेस देन 5% अच्छी सोइल भितर माने से कोर्स ग्रेन सोइल भितर परसेंटेज फाइननेस ओवरऑल लेस देन 5% हो पारे तापर नेक्स्ट जो क्राइटेरिया अच्छी ग्रेटर देन 12% अच्छी परसेंटेज फाइननेस इज ग्रेटर देन 12% थर्ड क्राइटेरिया परसेंटेज फाइननेस इज इन बिटवीन 5-12%। ओके परसेंटेज फाइननेस माने कौन सिल्ट एंड क्ले ये सिल्ट एंड क्ले कंटेंट का भितर आम देखुचु कोर्स ग्रेन सोइल भितर तो एबे देखंतु जदि फर्स्ट क्राइटेरिया आम कंसीडर करिया तो परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% माने बहुत कम तो ये टाइप कोर्स ग्रेन सोइल को जते बेडे आम क्लासिफाई करिवा ताई रे ये परसेंटेज फाइननेस रो सते इंपोर्टेंट रोल नथिवो खाली दुईटा जिनस रो इंपोर्टेंट रोल थिवो पार्टिकल साइज जाई रो आमको एटा जणा पडिवो कि से कोर्स ग्रेन सोइल आमर सैंड ना क्ले ओके से पे पार्टिकल साइज और सेकंड इंपोर्टेंट जिनस होउछि ग्रेडेशन ठीक अच्छे ग्रेडेशन वेल ग्रेडेड ना पुअरली ग्रेडेड तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग जत बेला हमें कोर्स ग्रेन सोइल को क्लासिफाई करिवा तो जो आम पाखे सोइल टाइप आसूची देखंतु ग्रेवल हो पारे तो ग्रेवल कौन हो पारे वेल ग्रेडेड हो पारे पुअरली ग्रेडेड हो पारे तो जदि वेल ग्रेडेड ग्रेवल अच्छी आम लिखा जी डब्ल्यू पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल अच्छी आम सीधा लिखीद जी पी वेल ग्रेडेड सैंड अच्छी आम लिखीद एस डब्ल्यू पुअरली ग्रेडेड सैंड अच्छी आम लिखीद एस पी ये चारिटा सोइल आका ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग पॉसिबल होउछ वेल ग्रेडेड ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल वेल ग्रेडेड सैंड पुअरली ग्रेडेड सैंड बुझीगले कि गॉट इट एबे देखंतु नेक्स्ट क्राइटेरिया हमर कोन थिला इडा अच्छा 5-12% मॉइस्चर कंटेंट ऊपर आसीबा ता पूर्वरु सबटु लास्ट केस थर्ड केस को कंसीडर करिवा कि आमर जो मॉइस्चर कंटेंट कौच जो परसेंटेज फाइननेस अच्छी ये कोर्स ग्रेन सोइल रे दैट इज ग्रेटर देन 12% माने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज फाइननेस अच्छी माने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले कंटेंट अच्छी ठीक अच्छे एवं देखूँ हूँ कौन यहाँ भावतु गोटे कोर्स ग्रेन सोइल आप कोर्स ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन करूँ यहाँ गोटे कोर्स ग्रेन सोइल बट ये कोर्स ग्रेन सोइल रे जो परसेंटेज फाइननेस अच्छे बुझंतु जो परसेंटेज फाइननेस अच्छी इटा ग्रेटर देन 12% अच्छे ठीक अच्छे नो प्रॉब्लम हेले कौन कौन प्रॉब्लम कौन है प्रॉब्लम इटा होची कि ये जो परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12% होची इटा हमको जणा करिवा को पडुची कि इटा सिल्ट ना क्ले बुझी पारछन कि ये जो परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12% अच्छी तो से सिल्ट रो परसेंटेज फाइननेस ना क्ले रो परसेंटेज फाइननेस एटा हमको जणा माने एटा एटा फाइंड आउट करिया पडियो तो एटा फाइंड आउट करिया पे हमें कोन कोन यूज करू छु प्लास्टिसिटी चार्ट रो कांसेप्ट यूज करिवा प्लास्टिसिटी चार्ट तो प्लास्टिसिटी चार्ट कोन मु आगर आ वीडियो रे बतेबी आगु को प्लास्टिसिटी चार्ट इज ए चार्ट गिवन बाय साइंटिस्ट कासाग्रांडे कासा ग्रांडे आईडा कौन पे यूज हो जी इट इज यूज्ड टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सोइल बुझी गले कि तो प्लास्टिसिटी चार्ट को यूज करी हमें ये जो परसेंटेज फाइननेस अच्छी 12% रु बेसी से परसेंटेज फाइननेस का रो इट इज ड्यू टू सिल्ट और क्ले कंटेंट माने के बेसी अच्छे सिल्ट बेसी ना क्ले बेसी जे बेसी थिवो ताको हमें से माने से नाटा यूज करिवा जदि देखो फॉर एग्जांपल आमको जना पड़ेगा ये जो कोर्स ग्रेन सोइल अच्छे इटा ग्रेवल अब ये कोर्स ग्रेन सोइल ग्रेवल हेबो ना सैंड हेबो इटा तो आमको पूर्वरु जना पड़ी जो सीव एनालिसिस डेटा रु
लेट्स सपोज आम जानल जे ये जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल अच्छे ये ग्रेवल रहा माने ये ग्रेवल ठीक अच्छे तापर आम एटा देख लु कि यार परसेंटेज फाइननेस रो इंपोर्टेंस अच्छे माने ग्रेटर देन 12% परसेंटेज फाइननेस अच्छे इटा भी कोठरो जना पड़ला से सीव एनालिसिस रो का जना पड़ला तो एबे ये परसेंटेज फाइननेस रो इंपोर्टेंस है जो तो ये परसेंटेज फाइननेस ड्यू टू व्हाट आम सीटा फाइंड करवा जदि परसेंटेज फाइननेस होउची ड्यू टू सिल्ट माने ये जो परसेंटेज फाइननेस अच्छे तार सिल्ट कंटेंट बेसी तो माने ये कोर्स ग्रेन सॉइल रे सिल्ट कंटेंट बेसी अच्छे तो ये को टाइप ग्रेवल है वो सिल्टी ग्रेवल तो ताको हमें लिखिवा जी एम देखो तो वो कौन कोई थली सोइल ये क्लासिफिकेशन रे जो जिनसो परे आसुची जो ना रे परे आसुची ताको फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म रे ताको फर्स्ट लिखिवा सिल्टी ग्रेवल माने ग्रेवल फर्स्ट लिखिवा तापर एम लिखिवा जदी क्ले रो कंटेंट बेसी रही थिवो देन क्ले ग्रेवल माने जीसी ही थांता सोइल बुझले कि तो ये टाइप सोइल ही चलिवो GM हेबो GC हेबो सिमिलरली सिल्टी सैंड क्ले सैंड बुझी गले कि सेमती हेई पारे तापर आ गुटे कॉम्बिनेशन हेई पारे कोन कि भाई मेजॉरिटी रे के नाही माने सिल्ट भी मेजॉरिटी रे नाही क्ले भी मेजॉरिटी रे नाही हेले माने दुई जण पाखा पाखी समान कंटेंट अछंती माने इक्वल अछंती इक्वल प्रोपोर्शन रे अछंती हेले दुईटा जिंस दुईटा ना आसीबा कथा दुईटा ना आसी जीवो ओके केमती हेबो माने आमे फर्स्ट लिखिवा सिल्ट विषय तापर लिखिवा क्ले विषय तापर लिखिवा ग्रेवल माने सिल्टी क्ले ग्रेवल जदि सिल्टी क्ले ग्रेवल ग्रेवल लिखिवा तो सोइल हे जीवा जीएम हाइपन जीसी दुटा कंबाइन कर देबे सेमती सिल्टी क्ले सैंड ओके तो जीएम सॉरी सिल्टी क्ले सैंड माने एसएम एससी एसएम हाइपन एससी सेमती बुझि गेले कि तो एबे एठी देखंतु ये जो थर्ड टाइप आमे क्लासिफिकेशन करिलु आइ रे बेसिकली सिक्स टाइप ऑफ सॉइल आसुची से सिक्स टाइप ऑफ सॉइल रो ना गुटे थरो मु आपन को कहू छी देखंतु फर्स्ट गुटे गुटे सुनी चालंतु कोन हेबो सिल्टी ग्रेवल माने ग्रेवल बिषय रे फर्स्ट कथा होंतु कि कोर्स ग्रेन सॉइल थला सेटा ग्रेवल बट तारे सिल्ट कंटेंट बेसी अछि तो सिल्टी ग्रेवल कहिबा माने जीएम कहिबा सेकंड क्ले ग्रेवल हो पारे जीसी हो पारे नाउ सिल्ट और क्ले रो कंटेंट पाखा पाखी सेम थिला तो सिल्टी क्ले ग्रेवल हो पारे तो जीएम जीसी सिमिलरली सेकंड केस सैंड सहित एसएम सिल्टी सैंड एससी क्ले सैंड सिल्टी क्ले सैंड एसएम एससी तो एठी केते हला छोटा सॉइल बुझले तो येटा थर्ड कैटेगरी तो ये जो हमें थर्ड कैटेगरी रे क्लासिफिकेशन टा करिलु ये क्लासिफिकेशन रे जो इंपोर्टेंट अपन को दुसु जी से इंपोर्टेंट कोन फर्स्ट पार्टिकल साइज तो रहिला का कोन पे बोले पार्टिकल साइज बेसिस रु पार्टिकल साइज बेसिस रे आका हम को ईटा जणा पड़ला ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल थिला सेटा सिल्ट रो थिला सॉरी से सैंड रो थिला ना ग्रेवल रो थिला ये जिंसोटा जणा पड़ला पार्टिकल साइज एनालिसिस रे सेकेंड इंपोर्टेंट पैरामीटर जो एठी रहिला परसेंटेज फाइननेस परसेंटेज फाइननेस एटा हला सेकेंड इंपोर्टेंट पैरामीटर ग्रेडेशन कोन ग्रेडेशन इज इंपोर्टेंट पैरामीटर हियर नो कोन पे ग्रेडेशन जदि इंपोर्टेंट पैरामीटर हि थांता तो हमें लिखि थांतु वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड से टर्म गुडा को आसी थांता तो एठी आपण सॉइल रो ना जाका को देखंतु तारे ग्रेडेशन रो रिलेशन दूर दूर जाय नाही तो ग्रेडेशन इज नॉट इंपोर्टेंट पैरामीटर फॉर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल दैट इज व्हेन परसेंटेज फाइननेस इज मोर देन 12% बुझिगले कि ये लॉजिक मन रहइबो नाउ थर्ड टाइप जो मझे रे रोइला माने थर्ड कोन माने सेकंड टाइप एक्चुअली जो मझे रे रोइला जाय रे परसेंटेज फाइननेस गुटे इंटरमीडिएट पोजीशन रे अछि तो ये जो थर्ड ये जो मझे वाला कैटेगरी अछि आय रे सब जिंस इंपोर्टेंट हे जिवल माने तीनटा जिंस इंपोर्टेंट हे जिवो कोन पार्टिकल साइज भी इंपोर्टेंट है ग्रेडेशन भी इंपोर्टेंट है एंड परसेंटेज फाइननेस दैट इज सिल्ट एंड क्ले कंटेंट भी इंपोर्टेंट है ओके तो एटिस ये तीनटा जाको इंपोर्टेंट थी माने पार्टिकल साइज भी इंपोर्टेंट ग्रेडेशन भी इंपोर्टेंट सिल्ट एंड क्ले कंटेंट भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो ये टाइप सॉइल रो क्लासिफिकेशन करिवारे माने कोर्स ग्रेन सॉइल रो क्लासिफिकेशन जेबे परसेंटेज फाइननेस ये रेंज रे थिबो
ताहले अच्छा गुटे मन रखिबे कि प्लास्टिसिटी चार्ट रो यूज कोन पे करा जाउ छी। प्लास्टिसिटी चार्ट रो यूज करा जाउ छी टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सॉइल, ऑलवेज मन रखिबे। ओके से चार्ट टा कोन केमती आसु छी ताहे दुटा इक्वेशन रहउ छी। से इक्वेशन ए लाइन, ए लाइन रो गुटे कांसेप्ट हो छी। से ए लाइन रो इक्वेशन मु आपन को देबी, बहुत इंपोर्टेंट से चार्ट भी ताहे रु भी क्वेश्चंस आसी पारे डायरेक्टली, न्यूमेरिकल भी आसी पारे। ओके तो ये जो मु जिनस एबे बतौ छी ये सॉइल रो ना, ओके ता भीतर ये भीतर को हमें एते डिटेल रे जीवाने से पई जस्ट सॉइल रो ना। ओके से जाने आप पई मु ये सब कांसेप्ट जको बतौ छी आपन। ओके तो एबे जाय आपन केते सॉइल रो ना जानि गले नी, एटे देखन त एठी चारिटा सिखिले तो ये चारिटा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ये चारिटा आ एठी छटा। 4 प्लस 6 केते हला 10, 10 टा सॉइल आपण एबे चिन्हु छंती, माने ये जीएम जीसी, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, सिल्टी क्लेई ग्रेवल, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड, सिल्टी क्लेई सैंड, छटा 6 टाइप सॉइल, माने एठी 6 सेठी 4, 10 10 टा सॉइल आपण चिन्हि गले एबे। ठीक अछि एबे जो सॉइल जा को हम लिखिबा देखंतु, एबे जो सॉइल आसी मु कोन कहली एबे ग्रेडेशन भी इंपोर्टेंट, सिल्ट आउ क्ले कंटेंट भी इंपोर्टेंट। ठीक अछि तो देखंतु तो से पई ये तीनटा पैरामीटर जा को इंपोर्टेंट रोल प्ले करूथला कोन, पार्टिकल साइज भी, तापरे आपण ग्रेडेशन भी, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट भी। कोन पे बोले पार्टिकल साइज रु ग्रेवल किंबा सैंड हमको एटा जणा पड़ी जाउ छी, ग्रेडेशन रो वेल ग्रेडेड ना पुअरली ग्रेडेड जणा पड़ी गला। तो ग्रेडेशन फाइंड आउट करिया पई हमें सीयूसीसी रो कांसेप्ट यूज करिवा। ओके ग्रेडेशन वैल्यू फाइंड आउट करिया पई सीयू एंड सीसी रो वैल्यू कांसेप्ट ता यूज करिवा। आउ देखंतो आउ गुटे जिंस होउछे, माने ये परसेंटेज फाइननेस जो मु कहूतली इडा भवंतु परसेंटेज फाइननेस, ये परसेंटेज फाइननेस रे हमको इडा का फाइंड करिया थिला ना, इडा आइरे सिल्ट बेसी और क्ले बेसी, तो आप पाई दुईटा कांसेप्ट बेसिकली यूज हो। ठीक अच्छे दुईटा कांसेप्ट, से दुईटा कांसेप्ट जनरली कौन, जनरली दुईटा कांसेप्ट कौन आम प्लास्टिसिटी चार्ट कांसेप्ट को यूज करूछ। ओके कौन पे बोले फाइन सॉइल ना, फाइन सॉइल को क्लासीफाई करिया पे प्लास्टिसिटी चार्ट रो ही यूज हो। ओके बट आउ गोटे जिनस मु कहूँ सीटा भी मन रखिथे, देखो यहाँ परसेंटेज फाइननेस क्वेश्चन रे जदी सीधा सीधा आपन को ये परसेंटेज फाइननेस रो आईपी वैल्यू दे छी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू कोन दे छी आईपी वैल्यू। तो एबे मते कोहंतु दुईटा जिंसो, गुटे सिल्ट मु नउ छी गुटे क्ले नउ छी, आईपी कार बेसी थिवो, ऑब्वियसली आईपी बेसी थिवो क्ले पाई थिवो। सो एठी गुटे माने कांसेप्ट यूज होउ छी कि जदी आईपी लेस देन 4% अछि आमने आमे कहिबा कौन सिल्ट, जदि आईपी ग्रेटर देन 7% रहुछि तो आमे कहि देबा क्ले, तारे क्ले कंटेंट बेसी अछि। ये जिनस गुटे यूज होउछि ये कांसेप्ट सीधा सीधा आकु देखि करी करि पारिबे, नले प्लास्टिसिटी चार्ट रो कांसेप्ट यूज करी ये फाइन ग्रेन सॉइल रे जो माने जितकी भी परसेंटेज अछि तारे सिल्ट बेसी ना क्ले बेसी फाइंड आउट करि पारिबे। बुझी पारु जंती एतकी जाय बुझिले। ओके एबे देखंतु तो ये जो मझी केस थिला ता अकॉर्डिंग जदि सॉइल रो ना गुडा को लेखिबा तो देखंतु फर्स्ट ग्रेवल कथा भावंतु, आमे एबे फर्स्ट ग्रेवल पई लेखिबा ना जको ग्रेवल, देखंतु ग्रेडेशन भी इंपोर्टेंट तो हमकु जणा पड़ीगला ग्रेवल इटा, तापर ग्रेडेशन जणा पड़ीगला कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अच्छा तापर जो परसेंटेज फाइननेस थिला ताइरे भी जणा पड़ी जाउची इडा माने क्ले बोली नन माने फर्स्ट जणा पडला लेट्स सपोज सिल्ट बोली, तो आमे गुटे ना लिखिबा वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। देखंतु ये ना जेमती लिखिली सबु ना एमतिया का लिखि चलिबा, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल माने वेल ग्रेडेड पई जी डब्ल्यू, सिल्टी ग्रेडेड ग्रेवल पई जीएम, तो जी डब्ल्यू जीएम गुटे सॉइल आसीबो। सिमितिया का वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, तो जी डब्ल्यू जी सी आसीबो गुटे सॉइल। हां सिमितिया का पुअरली ग्रेडेड, ओके पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल,
GPGMIO, I would say poorly graded clay gravel. GP, GCSIO. तो ये gravel र gravel र चारिटा ना सेमिति जल्दी आपण सैंड रे लिखिबे ओके तो सैंड रे आमे सेमिति लिखिबा वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड लिखि परिबा सेमिति आगा वेल ग्रेडेड क्ले सैंड पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड तो नोटेशन केमती हे जीवो देखंतु वेल ग्रेडेड माने SW ठीक अच्छे SM तापरे वेल ग्रेडेड सॉरी वेल ग्रेडेड सैंड वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड मतलब माने SW सॉरी क्ले सैंड ना SW SC तापरे SP SM तापरे SP SC SW SM माने कौन वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड SW SC माने कौन वेल ग्रेडेड क्ले सैंड SPSM माने कौन पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड SPSC माने कौन पुअरली ग्रेडेड क्ले सैंड तो एठी केते सॉइल हैला आठटा ओके एबे देखंतु काउंटिंग करंतु गुटे क्वेश्चन करैथिले लास्ट क्लास रे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स 18 तो 10टा पूर्वरु एबे देखिथिले ये आठटा केते हैला 18 18 तो ये 18 टाइप्स हेगला क्लासिफिकेशन सरीला कॉन्सेप्ट खत्म ना जाको मन रहिला तार नोटेशन मन रहिला ठीक अछि तो हेई पारे किछि भी नोटेशन पचारी पारे जदि क्वेश्चन पचारु छंती तो मन रखिबे एबे देखिबा हमें फाइन ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन देखंतु जेबे हमें फाइन ग्रेन सोइल को क्लासिफाई करिबा तो किछि इंपोर्टेंट पैरामीटर आइ रे माने हमको मन रखिय पड़िबो जो इंपोर्टेंट पैरामीटर बेसिस रे फाइन ग्रेन सोइल रो क्लासिफिकेशन टा करिवा फर्स्ट पार्टिकल साइज ऑब्वियसली पार्टिकल साइज बेसिस रे का तो हमको जणा पडुची कि गोटे गिवन मास ऑफ सोइल फाइन ग्रेन आ कोस ग्रेन केमती 75 एमएम सीव क्राइटेरिया कोइथली सॉरी 75 माइक्रोन सीव क्राइटेरिया जदि गोटे डब्ल्यू वेट रो सोइल को आपण सीव करिले आउरी कोन हला ग्रेटर देन 50% मोर देन 50% ऑफ सोइल पास्ड 75 माइक्रोन सीव आपको हमें कोई दवा फाइन ग्रेन सोइल ओके आपको कोई दवा कौन फाइन ग्रेन सोइल माने माने कौन ये डब्ल्यू पर डब्ल्यू वेट रे जदि डब्ल्यू वेट रे तार 51% ऑफ वेट ओके 51% ऑफ वेट भी जदि पास करी जाउ छी माने से फाइन ग्रेन सोइल हला ओके तो एमती हमें तो सीधा पे पार्टिकल साइज इंपोर्टेंट एटलीस्ट टू नो कि सोइल हमारो फाइन ग्रेन ना कोर्स ग्रेन सब टू फर्स्ट तो सीधा गुटे प्राइमरी डेटा सेकेंड डेटा कौन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी वैल्यू कौन पाए बोले हमको जाना फाइन ग्रेन सोइल रे बेसिकली सिल्ट एंड क्ले कंटेंट रहइबो आउ किछ ऑर्गेनिक सोइल रहउ छी आउ पीट रहउ छी तो जदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको जाना से सोइल रो तो आमे कहि पारियो जदि हाई थिबो तो आमे कहि पारिबा कि सेटा क्ले रेंज रे जाउ छी जदि लो थिबो तो आमे कहि पारिबा सिल्ट रेंज रे जाउ छी से पई प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इंपोर्टेंट पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सोइल तापरे आउ गोटे क्राइटेरिया कौन कंप्रेसिबिलिटी अभी ये कंप्रेसिबिलिटी केमती चेक करिया कौन कही थी लिक्विड लिमिट हाँ कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट लिक्विड लिमिट सो गोटे आउ गोटे टेबुल अच्छी मुझे टेबुलटा आपको कहूँ देखु फाइन ग्रेन सोइल आका जदि लिक्विड लिमिट को सोइल रो लिक्विड लिमिट फाइन ग्रेन सोइल रो लिक्विड लिमिट 35% रु कम अच्छी तापरे लिक्विड लिमिटा ग्रेटर देन इक्वल टू 35% एंड लेस देन इक्वल टू 50% अच्छे ये रेंज रे थर्ड केस लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50% ये सेकेंड वाला केसटा मन रखी थे लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ठीक अच्छे इक्वल टू भी अच्छी एटे सेकेंड केस रे ओके इक्वल माने लिक्विड लिमिट इक्वल टू 35 हेइ जीवो कि लिक्विड लिमिट इक्वल टू 50 भी एटे हेइ जीवो ठीक अच्छे आउ एटे लेस देन आउ एटे ग्रेटर देन तो देखंतु तीनटा लो कंप्रेसिबल सोइल लो कंप्रेसिबल लिखिबा ताको तो लो कंप्रेसिबल पे नोटेशन हमें यूज करिबा एल तापर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी थिबो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल पे हमें नोटेशन यूज करिबा आई
तापरे हाइली कंप्रेसिबल जदि लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% अच्छे हाइली कंप्रेसिबल हो जीवो हाइली कंप्रेसिबल पाई आमे नोटेशन यूज करिबा एच एबे देखंतु कांसेप्ट पार्टिकल साइज रु आपन को जणा पड़ी गला फाइन ग्रेन सॉइल ना कोर्स ग्रेन आईपी रु आपन को कांसेप्ट जणा पड़ी गला क्ले ना सिल्ट ठीक अछि आईपी रु ये लिक्विड लिमिट वैल्यू देखी करी जणा पड़ी गला एटा लो कंप्रेसिबल क्ले ना हाई कंप्रेसिबल क्ले ना इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सेमिति क्ले पाई जो नोटेशन यूज करिवा सी सिल्ट पाई नोटेशन यूज करिवा एम तापरे आ गोटे जिनस पाखे कौन ऑर्गेनिक सॉइल पर नोटेशन यूज करिवा ओ पीट पर नोटेशन यूज करिवा हमें पीटी बुझीगले एतक जिनस बुझे एवं कासाग्रांडे गोटे कनसेप्ट आमको देते ओके गोटे प्लास्टिसिटी चार्ट देते जाकु यूज कर क्लासिफिकेशन टा बेसिकली करुच्छ एवं देखो हाँ सीटा तो देते बट जदि आम सॉइल रो ना जाक लिखा ओके सी एल जदि मुझे लिखली CL, CL को हमें कौन कहिबा लो कंप्रेसिबल क्ले लो कंप्रेसिबल क्ले ओके वो कौन कही थी जो नोटेशन पर लिखुचु आम ना फर्स्ट ताकू पढ़ा ओके सब सेमती हूँ तो CL माने है लो कंप्रेसिबल क्ले सेमती ही जदि आम लिखा CH तो हाईली कंप्रेसिबल क्ले MH highly compressible silt okay CH माने highly compressible clay MH माने simply highly compressible silt OH माने highly compressible organic soil okay highly compressible organic soil एमती लिखिवा okay CI गोटे ही पारे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले सेमती MI हो पारे सेमती OI हो पारे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले तापरे CL हो पारे CL तो लिखी देली ML हो पारे लो कंप्रेसिबल सिल्ट ऑर्गेनिक सॉइल रो जो कंप्रेसिबिलिटी रहइबो OI आउरी OH रेंज रे आका रहइबो बुझी गले कि OI आउरी OH रेंज रे आका रहइबो तो ये सब है तो ना ठीक अच्छे एमती आप नेम गुड़ा को पढ़े एवं प्लास्टिसिटी चार्टा कौन जी कासाग्रांडे देखते देखो से चार्टा मुझे बनाऊ दुईटा एक्सीस रोज गोटे वाई एक्सीस एलंग आम रिप्रेजेंट करुचु आईपी एक्स एक्सीस एलंग रिप्रेजेंट करुचु लिक्विड लिमिट एटी गोटे लिक्विड लिमिट रोज 8% तापर 20% लिक्विड लिमिट गोटे वैल्यू गोटे 35% लिक्विड लिमिट गोटे वैल्यूटा रोज आ गए ये 50% लिक्विड लिमिट वैल्यूटा रोज ठीक अच्छे ये 20% जो लिक्विड लिमिट वैल्यू अच्छी एटी रू गोटे लाइन टा स्टार्ट होमती इनक्लाइंड ये लाइन को आम कह लाइन ठीक अच्छे आर गोटे इक्वेशन अच्छी मुझे बतेबी देखो ये वर्टिकल एमती लाइन बनई निरस्पंडिंग टू 35% लिक्विड लिमिट ओके करस्पंडिंग टू 50% लिक्विड लिमिट करस्पंडिंग टू 8% लिक्विड लिमिट भी बनई नि ठीक अच्छे एवं देखो ये जो 8% लिक्विड लिमिट वाला लाइन अच्छे आऊपर भी गोटे लाइन एमती स्टार्ट हे आपको आम कह यू लाइन अपर लाइन ठीक अच्छे आपको आम कह अपर लाइन एवं देखो आईपी रुईटा वैल्यू कौन एटी गोटे वैल्यू 4% मन रखिए एमती आका चार्टा थी एटी गोटे वैल्यू 7% मन रखिए देखो ये 7% करस्पंडिंग जदि मुटा एमती नहीं जाऊँ 4% करस्पंडिंग यहाँ एमती नहीं गली लाइन को टच कर ली ओके तो अबे आकु आकु ना एमती हैच कर देली आकु आमे कहूँ हैच्ड रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट हैच्ड रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट प्लास्टिसिटी चार्ट ठीक अटे देखो ये जो हैच्ड रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट अच्छी आई रे खाली गोटे सॉइल लाई कर सॉइल कौन से सॉइल रो नाम हूँ CLML लो कंप्रेसिबल सिल्ट लो कंप्रेसिबल क्ले
ओके सीएलएमएल माने माने एमती एमती परसेंटेज फाइनेंस जहाँ सिल्ट भी अच्छी इक्वली क्ले भी अच्छी इक्वल अमाउंट रे बट कंप्रेसिबिलिटी तांकर लो तो से सोइल का लाइ करियो ये हैचड पोर्शन रे आउ के लाइ करियो आउ बाकी सब सोइल कोठी लाइ करिवे देखंतु एठी माने इडा देखंतु ये 20% रु जो ये लाइन टा जाई छे आ तोले एठी ओके माने ए लाइन ऊपर गोटे जिन कौ ए लाइन ऊपर क्ले ये रीजन रे क्ले ए लाइन ऊपर ए लाइन तले सिल्ट तो आपन को पचारिबे बिलो ए लाइन के को सोइल रहउछि तो सिल्ट और ऑर्गेनिक सोइल भी ऑर्गेनिक सोइल सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सोइल आर बिलो ए लाइन और अबव ए लाइन रहइबो के क्ले तो देखंतु क्ले रे तीनटा कैटेगरी अबे हम लिखि पारिबा एठी लिखिवा अबव ए लाइन सी सॉरी सी एल लिखिवा फर्स्ट सी एल तापर एठी सी आई आसी जीव एटा एटा आसी जीव सी एच देखंतु लिक्विड लिमिट ना ग्रेटर देन 50% ये रेंज आसुचे ना ये व्हाट ये लाइन पर ये वर्टिकल लाइन पर ये ग्रीन लाइन पर सेटा पे ये रेंज रे जो सॉइल लाई करिवो सेटा होचे सी एच ये वर्टिकल लाइन और ये लाइन मझी रे जो लाई करिवो आउ अबव ए लाइन सीधा होचे सी आई आउ एठी सी एल बुझी पारले ये लिक्विड लिमिट देखी करी आमे लिखिलु लिक्विड लिमिट एटा कोन इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी रेंज ये रेंज रे आई लिखा जीवो एठी एच लिखा जीवो कंप्रेसिबिलिटी विषय रे जदी लिखिबा आउ ये रेंज रे कोन लिखा जीवो ये रेंज रे लिखा जीवो अपन रो एल ठीक अछि आउ अबव ए लाइन तो मु कहली क्लियर को लिखिबा आउ बिलो ए लाइन सिल्ट आउरी ऑर्गेनिक सोइल को लिखिबा तो ये रेंज रे एल रेंज रे अबव ए लाइन सी एल लिखि देलु तो एल रेंज रे बिलो ए लाइन एम एल लिखिबा एल रेंज रे बिलो ए लाइन दुईटा ऑर्गेनिक आउरी सिल्ट फर्स्ट सिल्ट को लिखिबा एम आई तापर ऑर्गेनिक ओ आई एमटी नाउ एच रेंज रे बिलो ए लाइन एम एच आउ ओ एच बुझी गले कि एमती ओके एमती आमे लिखुछ तो दिस इज योर प्लास्टिसिटी चार्ट नाउ गोटे जिनस ये जो इक्वेशन अछि ए लाइन रो इक्वेशन टा कोन ओके इक्वेशन ऑफ ए लाइन आई पी इक्वल टू 0.73 गोटे मिनट डब्ल्यू एल परसेंटेज माइनस 20 आउ गोटे लाइन थला यू लाइन तो इक्वेशन ऑफ यू लाइन केते हे जीवो इक्वेशन ऑफ यू लाइन मन रखिबे ओके ये डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला पचारिबे नले केबे न्यूमेरिकल भी पकेई पारंते आमे न्यूमेरिकल भी करिबा क्वेश्चन करिबा सतल देखिबा 0.9 डब्ल्यू एल परसेंटेज माइनस 9 ठीक अछि आउ गोटे जिनस देखंतु तो प्लास्टिसिटी चार्ट आमे केते बेडा यूज करिया टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सोइल आ विषय रे भी गुटे लॉजिक आमको जणा थिवार अछि मन रखिबे जदि क्वेश्चन रे लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 20 देइछि 20% देन ओनली यूज कांसेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट कांसेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट ओके आउ थरे गोट थर मु प्लास्टिसिटी चार्ट बनाई दोची कौन पे देखंतु जदि लिक्विड लिमिट 20 किंबा तार टू लेस आसीबो तो ये ए लाइन रो इक्वेशन देखंतु आईपी कौन आईपी इक्वल टू एथकी तो एटा नेगेटिव वैल्यू जाड पड़ेगा ना तो आईपी कौन नेगेटिव हे पारे नो ठीक अछि आईपी रो वैल्यू एग्जैक्टली 0 आसीबो ओके सो तो जदि क्वेश्चन दिया है छी कि लिक्विड लिमिट इज लेस देन 20% तो हमें प्लास्टिसिटी चार्ट रो कांसेप्ट तो यूज करी परिवा नहीं तो हेले हम को केमती जाना पड़ियो कि से फाइन ग्रेन सोइल जो अछि तारे सिल्ट बेसी ना क्ले बेसी तो आ गुटे जिंस हम कोइ थिले ना कि आईपी लेस देन 4 जदि दिया है छि तो सिल्ट नहीं जीवे ताको ओके आ आईपी ग्रेटर देन 7 जदि दिया है छि क्ले नहीं जीवे ताको ये जिंस हम कोइ थिले ठीक अछि तो प्लास्टिसिटी चार्ट कॉन्सेप्ट हमें सतेबेड़ा का यूज करिवा जते बेड़े क्वेश्चन रे हमकू लिक्विड लिमिट रे वैल्यू ग्रेटर देन 20% दिया है छ नले यूज करिवानी ये जिंस भी मन रखिथिबे प्लास्टिसिटी चार्ट को कोन पे यूज करू छ हमें टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सोइल अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी चार्ट को टाइप सोइल को क्लासिफाई करा जाउ छ
सीड को, ठीक अच्छे, क्ले को, ऑर्गेनिक सॉइल्स को, तीन थ्री टाइप ऑफ सॉइल। खाली सिल्ट आउ क्ले टिक लगे आसवेनि, तीन टा टाइप अच्छी ना, सिल्ट भी थिला, ऑर्गेनिक सॉइल भी थिला, क्ले सॉइल को भी क्लासिफाई करा जाय छे। ओके नाउ आउ थरे गोट थरे मु प्लास्टिसिटी चार्ट बनाई दउ छी। देखंतु प्लास्टिसिटी चार्ट मन रखिबे, गोट थरे डायग्राम टा बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम, आईपी यार्ड आउ ये एक्सिस रे लिक्विड लिमिट को हमें लिखिबा। एठी गोटे लिक्विड लिमिट 8 नै जीवा, गोटे लिक्विड लिमिट आम नहीं जावा 20, गोटे लिक्विड लिमिट नहीं जावा 35, गोटे नहीं जावा 50। सब करस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन्स गुड़ाक ड्र करनी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके वर्टिकल लाइन्स ड्र कर, गोटे मिनट भाई यहाँ टिके साइड होगा, ये वर्टिकल लाइन्स आम ड्र करनेलु एठी भी, ठीक अच्छे। एवं देखत एवं कौन ये 20% रु गोटे आउ गोटे लाइन स्टार्ट करूँ, ये लाइन को कह ए लाइन, ठीक अच्छे। 8% रु गोटे लाइन स्टार्ट करूँ आपको कहवा यू लाइन, माने यू लाइन उपरे किसी सॉइल एक्जिस्ट कर गोटे मिनट। एटी 4% लिखत, एटी 7% आईपी लिखत, तो आपको एमती टच कर दिं। ओके यहाँ हैच पोर्सन हो गला, तो ये हैच पोर्सन माने ये जो रीजन अच्छे, ये रीजन गोटे सॉइल लाइक कर, सॉइल रहा कौन से सॉइल ना CLML, बस ये सॉइल ये हैच्ड पोर्सन रे लाइक कर, ठीक अच्छे। नाउ ये जो रीजन अच्छे एबव यू लाइन, ठीक अच्छे, ये जो अपर लाइन अच्छे यू लाइन, यू लाइन उपरे ये रीजन रे को भी सॉइल लाइक कर ना, से लाइन टा दिखाई नो सॉइल इन दिस जोन, इन दिस जोन माने एबव यू लाइन देर इज नो सॉइल इन दिस जोन, ठीक अच्छे। ये जिनसा मन रखिथे एभव ए लाइन क्ले को रिप्रेजेंट करा जाउछे, बिलो ए लाइन सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। प्लास्टिसिटी चार्ट इज गिवन बाय कासाग्रांडे, कासाग्रांडे यूज टू क्लासिफाई फाइन ग्रेन सॉइल बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। According to plasticity chart, soil is three type of soils are classified: clay, silt and gravel. अबे देखो, sorry, clay, silt and organic soil. Okay. तो अबे based on compressibility लिखी चालन तो value देखो तो above a line compressibility between माने liquid limit 20 to 35 माने low compressibility above a line माने CL एठी ML silt तापरे इडा intermediate compressibility इडा low इडा हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो एबव ए लाइन सी आई, बिलो ए लाइन एम आई ओ आई, ओके सी एच एम एच ओ एच, बस दिस इज योर प्लास्टिसिटी चार्ट। मन रहा एवं चार्ट केमती बनवर अच्छी मन रखी थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा बेले ये चार्ट यूज कर, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो मुझे आपको बतेली 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20 मन रखी थे, इक्वेशन ऑफ यू लाइन 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8 सीटा भी मन रखी थे, ठीक अच्छे। एबव यू लाइन देर इज नो सॉइल, प्लास्टिसिटी चार्ट कंसेप्ट इज ओनली यूज टू क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल एंड ओनली देन व्हेन लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर, लिक्विड लिमिट ऑफ गिवन सॉइल गिवन फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन 20%, एल्स नॉट, एल्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स कॉन्सेप्ट इज यूज। If IP is greater than 7, then consider the fine-grained portion as clay. If IP is less than 4, then consider the fine-grained portion as silt. Got it? Got it. So with this, I am ending this video here only. Ye chapter bhi sari gala. Okay. Aau emti sare dawa. Okay. Apan kwan ko bhala uchi class. To like kori dewe. Questions kori wa next class re. Ye sabu chapter upre. Okay. Ye chapter tikke important. कौन पे बोले बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आसी पारे से पे डिस्कस कर देली, आउरी अगर डिस्कस करिवा जेंति परमिएबिलिटी रे कांसेप्ट के डिस्कस करिवा कि परमिएबिलिटी को फैक्टर पर डिपेंड करूची, डार्सी लाटा कौन, ओके स्ट्रेटिफाइड परमिएबिलिटी माने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमिएबिलिटी, इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, ये सब कांसेप्ट टिके आम डिस्कस करिवा डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास रे आको करिवा। अच्छा नेक्स्ट क्लास रे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करिवा, जदि क्वेश्चंस रे आसी जाऊँ मझे कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर नवा से, ठीक अच्छे। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ। लाइक करूँ, सांग मान भितर सेयर करूँ, चैनल को सपोर्ट करूँ।
ग्रो करिवारे। थैंक यू वेरी मच, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू। टाइम देखिवे कि देखंतु गोटे मिनट, सकाल अपलोड करिवार अछि क्लास, घंटे छ राति, ऑल द बेस्ट।